10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया में तांगेवाली के घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया था अतीक अहमद। अतीक की बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, वो हाई स्कूल में भी फेल हो गया। अतीक के पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक के पिता और अतीक को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा और उसके बाद से ही अतीक का धंधा रातों रात चल पड़ा। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी, जिससे भी उगाही करनी होती थी बस इतना बताया जाता था अतीक अहमद, फिर क्या सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता था। 17 साल की उम्र में जवानी की दहशत पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ और वो भी हत्या का। साल 1979 में महज 17 साल की उम्र में अतीक पर कत्ल का इल्जाम लगा। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक की शक्ल बन गया। इसके बाद अतीक ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब भरती जा रही थी। आपको बता दें कि कभी इलाहाबाद की गलियों में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब अतीक की उम्र यही करीब 20 से 22 साल हुआ करती थी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए अतीक को सियासी और पुलिसिया दोनों का श्रेय मिला। 1986 आते आते अतीक गैंग खूंखार हो चुका था, चांद बाबा के गैंग से भी ज्यादा खूंखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से अचानक फोन आया और उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक को घर तक छोड़ गई। अतीक ने चांद बाबा की गैंग को एक एक करके खत्म कर दिया। 1987 आते आते अतीक को पता चल गया था कि जुर्म की दुनिया की बादशाहत बरकरार रखनी है तो राजनीति की छाप में जाना ही पड़ेगा। अतीक को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत से वो क्या क्या कर सकता है। 1990 में अतीक ने इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बन बैठा। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने को कोई भी तैयार नहीं होता था। अतीक 1991 और 93 में फिर से इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव जीत गया। साल 1992 में जब पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। यानी 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट व इलाहाबाद के कई इलाकों में मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज हुए। उसके जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार तक चला गया। बिहार में भी अतीक के खिलाफ हत्या, फिरौती, वन्य गैंगस्टर के मामले दर्ज हुए। 1996 आते आते समाजवादी पार्टी ने अतीक को अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव के बाद अतीक का बाहुबल का परचम और तेज लहराने लगा। 1999 में अतीक ने दल बदला और अपना दल में शामिल हो गया। फिर वो 5वीं बार विधायक बन बैठा। महंगे और लग्जरी गाड़ियां, अत्याधुनिक हथियार, ये अतीक अहमद के सबसे बड़े शौक बन गए। 2004 में अतीक अहमद फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सांसद बन गया। फिर अपनी विधानसभा सीट इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से उसने अपने भाई को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उसका भाई चुनाव नहीं जीत पाया। 4000 वोटों से जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के राजू पाल कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से इतना बौखला गया कि उसने 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को 19 गोलियों से भून डाला। इसके बाद से ही अतीक का बुरा दौर शुरू हो गया। 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई इलाहाबाद पश्चिमी सीट से फिर से चुनाव हार गया। समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक गैंग के 227 लोगों की लिस्ट तैयार हुई, चुन चुन कर सबको पकड़ा जाने लगा। 1986 से 2007 तक अतीक पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के तहत लग चुके थे। 2 महीने के भीतर अतीक पर इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक एक मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया।
उसके करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंग गिरा दी गई, अलीना सिटी को अनलीगल घोषित कर दिया गया, सब प्रॉपर्टी या तो गिर गई या जब्त कर ली गई। सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में लुकआउट नोटिस जारी हुआ। अतीक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और जेल में डाल दिया गया। 2012 में अतीक ने अपने दल से चुनाव लड़ने की तैयारी की। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट के 10 जजों ने उसका मामला सुनने से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज तैयार हुए और अतीक को जमानत दे दी गई। अतीक इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से पूजा पाल के खिलाफ फिर से मैदान में उतरा, लेकिन हार गया। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में उतारा गया तो खुशी के मारे 500 लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ अतीक कानपुर पहुंच गया। वो खुद 8 करोड़ की हमर गाड़ी में सवार था। 14 दिसंबर 2016 को अतीक और उसके गैंग के गुंडों पर इलाहाबाद के कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। 2017 में योगी सरकार आई और उनने बैक टू बैक अतीक की सभी पुरानी फाइलों को खुलवाना शुरू कर दिया और अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच CBI को दे दी गई। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक की जमानत याचिका रद्द कर दी और तब से अतीक के लिए काला दौर शुरू हो गया। तब से अतीक जेल में बंद है और उसकी संपत्ति खाक में मिल गई। अभी हाल ही में अतीक गैंग के गुर्गों ने गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से यूपी पुलिस ने एक के बाद एक गुर्गों का एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 2 शूटरों को योगी पुलिस ने ढेर कर दिया है। वहीं अन्य की तलाश अभी जारी है, जिन पर 2.5 लाख का इनाम भी रखा गया है। इस हत्या में अतीक का बेटा भी शामिल था। असद अहमद गैंगस्टर से राजनेता बनी अतीक अहमद का बेटा है। असद वकील उमेश पाल की हत्या का आरोपी था। उसको 13 अप्रैल 2023 को झांसी में उत्तर प्रदेश पुलिस की STF ने एक मुठभेड़ में मार गिराया, जिसके बाद 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद की सरेराह मीडिया से बातचीत करते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई।